पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, है ना, और चाहे आप कोई और भी कोर्स कर रहे हो उनके लिए भी, और जो बच्चा नया आ रहा है उनके लिए भी। देखिए पहले क्या होता था, आप क्या करते थे, बीएड के साथ में कोई कोर्स अगर करते भी थे तो वो, क्योंकि चूंकि बीएड आपका रेगुलर होता था तो आप क्या करते थे, कोई भी कोर्स करते थे वो प्राइवेट मोड में करते थे, है ना, कि भैया बीएड हो रहा है उधर आपने एमएससी या एमए का प्राइवेट डाल दिया, ऐसे करते थे। लेकिन अब दो कोर्स आप रेगुलर कर सकते हैं। देखिए साफ साफ कहा गया है, एक साथ दो डिग्री कोर्स की राह खुल चुकी है बच्चों के लिए। न्यू दिल्ली की तरफ से आपकी ये न्यूज़ आई है। अब जैसे मान लो आप एमए करना चाहते हो तो एमए रेगुलर भी कर सकते हो, बीएड भी कर सकते हो, समझ रहे हैं बात को, है ना। अगर इस तरीके से आपका पीजी भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ दो डिग्री कोर्स करने की राह खुल गई है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी विश्वविद्यालय, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपकी सी एस डी एम यू हो, चाहे एल यू हो, चाहे डी यू, कोई भी विश्वविद्यालय से अब आप इन कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज से एक साथ दो डिग्री, यानी कि वन टाइम टू डिग्री कोर्स योजना पर आगे बढ़ने का सुझाव दिया है और गाइडलाइंस भी जारी की। गाइडलाइंस में इन्होंने कहा, यूजीसी ने इस संबंध में यूनिवर्सिटी को विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। मतलब जो यूजीसी है, जो मतलब कह सकते हैं इन सबकी एक, जिनके ऊपर प्रेशर रहता है हर चीज़ का, जिनके थ्रू काम होता है ना, तो ये जो एक विभाग है आपका, इन्होंने अपनी पूरी विस्तृत यानी कि जो डिटेल्ड गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। अब ये डिटेल्ड जो गाइडलाइन है अब ये यूनिवर्सिटीज़ के पास गई है, जब ये लोग इस पर पूरा मतलब देखेंगे, चीज़ें समझेंगे, तब उसके बाद में जब फाइनल मोहर लग जाएगी तब वो आपके समक्ष आएगी, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है इसमें, कि खास बात ये है कि इस पहल के तहत अब स्टूडेंट्स फिजिकल मोड में भी दो क्लास डिग्री कोर्स कर पाएंगे। जैसे फिजिकल मोड क्या होता है, हमने कहा जैसे मान लीजिए बीएड करने के लिए आप कॉलेज जाते हैं, आपने सोचा चलो एमए भी कर लेते हैं, और अगर आप उसी कॉलेज से एमए करेंगे तो बीएड की टाइमिंग अलग और एमए की टाइमिंग अलग होनी चाहिए, है ना। तो फिजिकल मोड में भी आप एक साथ दो डिग्री कोर्स कर सकेंगे, बशर्ते दोनों ही कोर्सेज की जो क्लासेस की टाइमिंग है वो अलग अलग हो, यानी कि स्कूल मतलब कॉलेज में जा करके भी आप पढ़ सकते हैं दो कोर्स, ठीक। ये बात भी हो गई, मतलब एक तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज में भी रह करके दो कोर्स एक साथ कर सकते हैं। तो यानी कि अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बीएड के साथ आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। आपको जो भी अदर कोर्सेज करने, जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं स्किल बेस्ड कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप मान लीजिए किसी बच्चों को एक ही सब्जेक्ट से एमए करना है ना, तो आप वो कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अब खुल जाएंगे बस कुछ ही दिनों में, जैसे ये विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा, कि मतलब विस्तृत कार्यक्रम में ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एडमिशन लें, क्या करें, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पीजी पॉइंट पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा पीजी पॉइंट के नाम से, वहाँ जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, आपके बीएड के सभी सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे, जा करके ले सकते हैं। आपकी क्लासेस भी इसी चैनल पर बीएड की चलाई जाती हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।